न्यूज पटना बिहार के सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून और सत श्री अकाल। आज यहाँ राजधानी पटना में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के कैंपस में यहाँ के सेमिनार हॉल में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय रखा गया है दी लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी, और जिसका आयोजन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज न्यू दिल्ली और पटना की ओर से। आइए मिलते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया दो दिवसीय सेमिनार का, उसका क्या उद्देश्य है और नई नस्ल को क्या संदेश देना है। नमस्कार सर, अपना परिचय जरा देंगे। हमारा नाम जैनम खान है जी। हम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के सेक्रेटरी जनरल हैं। पिछले 21 साल से हम इस पौधे पर काम कर रहे हैं। असल मकसद ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो हमें राह दिखाने की कोशिशें की हैं और तालीम के मैदान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान ताल्लुक पैदा करने के सिलसिले में इस तरह के जो ख्याल उन्होंने पेश किए हैं, उनको आज के दौर में बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए इसके अलावा के हम आगे बढ़ते चले गए, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम अपनी बुनियादों को नहीं भूल सकते। उन बुनियादों को याद करने के सिलसिले में हम एक प्रोग्राम चलाते हैं और वो ये है कि एक साल हम इंटरनेशनल पर्सनालिटी को लेते हैं और दूसरे साल हम नेशनल पर्सनालिटी को लेते हैं। उस हिस्से में आज की सेमिनार जो हो रही है, जो शख्सियत पर हो रही है, वो दूसरे वाले खाने में यानी नेशनल फिगर्स में कोशिश ये। इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ इलाक़ों से जुड़ जाता है। जैसे मसलन बिहार की ये शख्सियत है तो यहाँ कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को याद दिलाया जाए कि भाई आपके एरिए ने, आपके खत्ते ने कितनी खिदमत अंजाम दी है। तो आप ये न समझें कि आपका जो माजी है, जो पास्ट है, वो बिल्कुल खाली है, उसको आगे बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। तो ये एक तरह का आने वाली जो नस्ल है उसके लिए एक हौसला अफजाई हो जाती है, एक प्रोत्साहन हो जाता है। वो जो प्रोत्साहन है